हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडीज में। दोस्तों, अगर आप अपने सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप कुदरती रूप से अपने बालों को काला कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नेचुरल तरीका बताऊंगी जिसके रेगुलर इस्तेमाल से आप अपने बालों को काला कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मार्केट के रेडीमेड प्रोडक्ट हेयर डाई, हेयर कलर से आप अपने बालों को झट से काला कर सकते हैं, लेकिन इन रेडीमेड प्रोडक्ट में केमिकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है जिसके इस्तेमाल से हमारे बाकी के बचे हुए बाल डैमेज हो जाते हैं। आपको पूरे पेशेंस के साथ इन नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस हेयर पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो कि आप किसी भी बर्तन को ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोहे के बर्तन में बनाते हैं तो आपकी रेमेडी में लोहे के तत्व मिल जाएंगे और आपकी रेमेडी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। ले ली है लोहे की कढ़ाई और अब मैं इस लोहे की कढ़ाई में त्रिफला चूर्ण का एक चम्मच लूँगी। फ्रेंड्स, त्रिफला चूर्ण हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब मैं इसका यहाँ पे एक चम्मच त्रिफला चूर्ण का ले लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने त्रिफला चूर्ण का एक चम्मच ले लिया है। त्रिफला चूर्ण फ्रेंड्स आपको किसी भी परसारी की दुकान से मिल जाएगा आसानी से। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राह्मी चूर्ण। ब्राह्मी चूर्ण भी हमारे बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पर भी मैं ब्राह्मी चूर्ण का एक चम्मच ले लूँगा। ये भी आपको बहुत ही आसानी से परसारी की दुकान से मिल जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी भृंगराज पाउडर। फ्रेंड्स, भृंगराज पाउडर, त्रिफला चूर्ण और ब्राह्मी चूर्ण, ये तीनों ही मिलकर हमारे बालों को कुदरती रूप से काला करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ काली कलौंजी का पाउडर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे काली कलौंजी को रोस्ट करके मैंने इनको एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। आप इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में चला कर एक महीन सा पेस्ट तैयार करके रख सकते हैं, तो आपको इनको मिलाने में आसानी रहे। अब मैं यहाँ पे कलौंजी पाउडर का एक चम्मच लूँगी और इनको अब थोड़ी देर के लिए इनको ड्राई रोस्ट होने तक इनको ऐसे ही गैस पकाऊंगी। फ्रेंड्स, पकाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए, ज़्यादा हाई और मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखना। और अब मैं यहाँ पे इसमें एक गिलास पानी ऐड कर लूँगी और इसको ऐसे ही धीरे धीरे स्पून की हेल्प से हिलाती रहूँगी। और हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये एक गाढ़ा सा पेस्ट ना बन जाए। एक अच्छा सा बाउल आ गया है और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरा पानी सूख ना जाए और इसका एक जेल फॉर्म में ना बन जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे इसका पानी सूखने लगा है और ये जेल में कन्वर्ट होने लगा है। अब हमारे इस डाई का सारा पानी सूख गया है और ये बिल्कुल जेल फॉर्म में तैयार हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हिला रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा और कितना स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हुआ है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। हमारा ये पेस्ट है बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी आपस में। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ देर के लिए इनको ऐसे ही हिलाते रहना है ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। हमारी ये डाई बिल्कुल तैयार है अपने बालों पे लगाने के लिए। फ्रेंड्स, अब बालों पे अप्लाई करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके बालों पे ऑयल नहीं होना चाहिए। इसको लगाने से पहले आपको अपना हेयर वॉश करनी है और अच्छे तरीके से सुखा कर इसको बाद में अप्लाई करना है। आप इसको किसी भी ब्रश के हेल्प से, अपने हाथों से या फिर किसी भी तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।